काक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षण डॉक्टर हीराराज त्रिवेदी शुक्रवार को 11 बजे आगरा में सारंगपुर मार्ग पर स्थित सर्किट हाउस पर पधारे हैं, जहां सपाक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका हार फूल से स्वागत किया है। हीराराज त्रिवेदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी उपचुनाव को लेकर सभी समाज बंधुओं से आवश्यक चर्चा भी करी है। उपचुनाव में जहाँ जहाँ पे आरक्षित सीटें हैं उन सीटों पर भी इस बार हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं। हमारे मुद्दों में मुख्य यही है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया है दोबारा उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए ताकि उसी वर्ग के लोग जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है लाभ मिले और जिनको लाभ मिल गया है वो इस वर्ग से बाहर हो जाए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं कि केंद्र सरकार जो कृषि आयात बाहर से कर रही है इसके कारण से लोगों को यहाँ फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस आयात पर भी रोक लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को सोयाबीन मटर मक्का चना गेहूँ सबका ठीक से भाव मिल सके। इन सब बातों को लेके आज हमने यहाँ चर्चा रखी थी आगरा में और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि आगरा में उम्मीदवार खड़ा किया जाए या नहीं किया जाए, खड़ा किया जाए तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे, इस बात के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे और निष्कर्ष ये है कि हम यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए आरक्षित सीट में काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसका लाभ जातिवादी होने से जो परिवार लाभ ले चुके हैं आज़ादी के बाद से उनकी तीसरी पीढ़ी लाभ ले रही है, वो कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो हमारा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है वो जो युवा पीढ़ी है गरीब वर्ग की पिछड़े वर्ग की जो लोग बहुत इंटीरियर में रहते हैं वो सभी अनुसूचित जाति जनजाति के युवा वर्ग हमसे जो है आकर उसमें जुड़ना चाहता है, इसलिए हमें लगा कि हमें रिजर्व क्षेत्र में भी चुनाव लड़ना चाहिए। हम सितंबर अंत तक जो है हमारे सभी प्रत्याशी घोषित कर देंगे। आगरमालवा से ओम प्रकाश सूर्यवंशी की रिपोर्ट।